वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब मैं मौजूद हूँ गोधरा में और आज हम आए हैं यहाँ पर अल रहमान का बारबेक्यू ट्राई करने, जिसके चटक बूटी के बारे में मैंने बहुत सुना है लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता चिकन चटक बूटी होती क्या है। तो आज ट्राई खुद भी करेंगे और आपको भी करवाएंगे, रिव्यू देंगे, फिर आप भी अपने रिमार्क बताइएगा कैसी है। तो आज चलते हैं और ट्राई करवाते हैं इंशाल्लाह गोधरा की फूड स्ट्रीट कैसी है। बॉस क्या बना रहे हैं? चिकन बोटी भाई, ये गोधरा की फूड स्ट्रीट है माशाल्लाह। यहाँ बारबेक्यू का एक बहुत अच्छा वस्तु सेटअप है, दिखाते हैं आपको चलते हैं। यहाँ पर तो सब्जी कबाब का भी पूरा सेटअप है भाई, ये चेक करें, फुल स्वैग वाला माहौल है यहाँ पर। अभी आपको चलते हुए दिखाते हैं, एक बारबेक्यू वाला ये है भाई जो पीएस वाला है, फुल माहौल यहाँ पर, असल माहौल तो इन लोगों ने बना के रखा हुआ है भाई। ये है हमारे अल रहमान भाई का सेटअप जिसकी आज हम ट्राई करने आए हैं, अल रहीम की। बस ये इनके पास ये फुल मॉल में इन्होंने बना के रखा हुआ, ये सारा इनका बारबेक्यू सेटअप है। और वहां पर पीछे जो बन रहे हैं भाई, देखें ये इनका पराठे वगैरह का इनका अपना सेटअप है। उसके बाद यहाँ रश चेक करें आप, कितने ज्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं। भाई ये रहमान भाई के पास रश चेक करें, अल रहीम के पास, ये सारे लोग यहाँ खाने के लिए आए हुए हैं भाई। सारे लोगों ने माशाल्लाह ये बेहतरीन फूड स्ट्रीट है न्यू कराची का, आप मुझे एक्सप्लोर करवाते हैं। भाई ये मलाई बूटी आपकी तैयार हो रही है, स्पीड चेक करें इनकी। और ये इतनी तादाद में ये तैयार करके रखी हुई है भाई, क्योंकि कस्टमर आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। ये आपकी सारी मलाई बूटी लगी हुई है। उसके बाद बस ये सारे आप रेडी हैं, कस्टमर आता जा रहा है और ये देख रहे हैं, ये सारे आपके बूटे वगैरह लगे हुए हैं। और ये इस तरीके से यहाँ ज्यादातर जो इनका खाया जाता है कबाब रोल खाया जाता है, इसे कबाब रोल तैयार हो रहा है। और ये डिफरेंट कबाब बना रहे हैं, कोई धागे वाला कबाब भी बना रहे हैं, चिकन मलाई भी और चिकन चटक बूटी भी। क्राउड चेक करें, बहुत ज्यादा हैवी क्राउड है माशाल्लाह। भाई ये यहाँ से तैयार होकर जाता जा रहा है, आप ये देखें कितना ज्यादा स्टॉक माशाल्लाह इन लोगों ने बना के रेडी कर रखा है। और यहाँ पर बस तीन सौ का मरीज हो जा रहे हैं और ये बना कर रेडी करके दिए जा रहे हैं। चेक करेंगे सारा स्टॉक रेडी, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ भी खड़े होने की जगह नहीं है भाई, पांच चपाती हो गया अल्लाह, जगह यहाँ भी नहीं है खड़े होने की। और ये पूरा बच्चों ये मेरा भाई सीना तीन से राम दो से भी हमारा पराठे वाला भाई है। हाँ सर आप ही को तो तुम आओगे तो मैं धो सकता हूँ, बहुत एक्सपर्ट है पराठे बनाने में। अभी वो देखो ये भाई डालेगा, ये डाला ये मेरे भाई, ये तैयार कर दिया एक दिन में। मेरे भाई कितने बना लेते पराठे, पूरी पराठे कितने बना लेते, तो बनाते रहोगे कब तक तो स्टार्ट करते हुए? आपका क्या टीम से कब तक बनाओगे? सुबह 5:30 बजे तक एक प्लेट कटर, सुबह 5:30 बजे तक ये रश ऐसा ही रहेगा भाई? माशाल्लाह यार, और ये भाई की हिम्मत है, ये सुबह 5:30 बजे खड़ा रहेगा भाई।
तो आज आपको ट्राई करके बताते हैं ये चेक करें, ये सारे बैठे चपाती पराठा पंडाल लोग बैठे हैं सारे। कितनी? 60 रुपए के 4 चपाती। और ये पूरा है 4 चपाती भी दे दे यार। अभी आपको भी खा के बताते हैं हम इनकी चटक बोटी होती क्या है। तो रिजवान भाई हमारे लिए भी चटक बोटी लगाए बताए, खाकर इंशाल्लाह बताते फिर कैसी होती है चटक बोटी। रोल लगाओ। और ये हमारा खाना आ गया जो कि चटनी से स्टार्ट होकर चिकन चटक बूटी तक जाता है, और उसके बाद फिर आपको ले चलते हैं चिकन मलाई बूटी की तरफ। तो ये गुजरातियों की सौगात है, गोधरा में मिलती है, कराची में वाके है, न्यू कराची की बैक साइड पे गोधरा का इलाका। और ये हमारे पड़ोस में हमारे भाई बैठे हुए थे जिनसे हमने पता करा कि भाई इनके टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बताएं। तो कहने लगे मैं तो 4.5 साल से लगातार कंटिन्यू खा रहा हूँ, टेस्ट बर्ड्स में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इकोनॉमिकल प्राइस में है, हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने 3 से 4 चीज़ें ट्राई करी हैं और मेरा टोटल बिल जो बना वो भी जस्ट 250 रुपये का बना। तो इस बात की, इस भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक मैं करता हूँ। और इन्होंने यहाँ की लोकेशन के हवाले से अगर मैं आपको गाइड कर दूँ तो ये न्यू कराची की बैक साइड पे गोधरा, अगर यूपी मोड़ की तरफ से जाते हैं तो भी आपको राइट साइड की साइड गोधरा आता है, वहां पर ये बिल्कुल मेन रोड पे स्ट्रीट फूड लगा हुआ है अल रहीम के नाम से। और यहाँ पर क्राउड आप चेक कर सकते हैं, बहुत हैवी क्राउड है, ये रात के कोई 10 बजे का वक्त था, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बैठे हैं। चले अब आपको टेस्ट करके बताते हैं खाने में कैसा है। फिलहाल के चिकन चटक बोटी ट्राई कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेंडर और लजीज टाइप की लग रही है, चटनी के साथ मिला के मैंने ट्राई किया है तो बहुत ज़्यादा एक यूनिक सा टेस्ट आया है। चिकन चटक बोटी को पराठे के साथ टेस्ट करने के बाद पता चला बहुत ही उम्दा और आला जायका है, जो कि गुजराती की डिश है। और बेसिकली ये स्पाइसी होने की वजह से इसको चिकन चटक बोटी कहा जाता है। उसके बाद मैंने फिर इसको चपाती से ट्राई करा, ये सोचती कि क्वालिटी के अंदर डिफरेंस तो नहीं आएगा, चपाती और परांठे के साथ कोई हो सकता है कॉम्बिनेशन इसका ज़्यादा परांठे के साथ मैच कर रहा हो, चपाती के साथ ना करें। लेकिन जब चपाती के साथ खाया तो यकीन करें खाते का खाता ही रह गया, दोनों में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोई उम्दा किस्म की क्वालिटी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलें अब रोल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रोल भी ट्राई करके देख लेते हैं। चिकन मलाई बूटी के रोल के बारे में बड़ी तारीफ है तो सुनिए यहाँ की। तो खैर आएँ अब आपको रोल ट्राई करवा के दिखाते हैं कि कैसा है रोल। पर रोल की तरफ आगे जाने से पहले सबसे पहले आपको एक दफ़ा बोटी की टेंडरनेस चेक करा देते हैं, चिकन चटक बोटी की, जो कि मेरे लिए बिल्कुल यूनिक सी थी, पहली दफ़ा मैंने ट्राई करी अपनी लाइफ में। तो ये देखें कितनी टेंडर, इतनी लजीज लग रही है देखने में ही, तो मुंह में वैसे ही ऑटोमेटिकली पानी आ गया था। तो चलें ये एक मेरे लिए यूनिक डिश थी जो मैंने खाई है, बेसिकली गुजराती डिश कहलाती है ये, स्पाइसी होने की वजह से इसको चिकन चटक कहा जाता है, ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर मौजूद होती है। तो चले आए अब आपको देर ना करते हुए रोल की तरफ ले चलते हैं। ये हमारा चिकन मलाई रोल है जिसको हमने पूरी पराठे के साथ रैप करवा लिया था, ये आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पर। तो उसको चटनी में मिलाकर चटनी में डुबो के फुल लपेट लपूट के खाते हैं, फिर उसको आप उसके बाद आपको ट्राई करके बताते हैं कि कैसा है। और देखें जैसा कि मैंने खा लिया और उसके बाद मैं बस खाता ही रह गया, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है बताने के लिए। क्वालिटी के अंदर कोई शक नहीं है इस बात में कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बहुत कम पैसों में आपको एक अच्छे मयारी चीज़ दे रहे हैं ये लोग, बहुत कम पैसों में दे रहे हैं। साथ में अगर आपसे इनकी स्पेशलिटी शेयर करता चलूं तो इनकी स्पेशलिटी है चिकन चटक बोटी, चिकन मलाई टिक्का और चिकन मलाई बोटी, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बेचा जाता है रोज़ाना। खैर मुझसे सब्र नहीं हो रहा इसलिए मैं दोबारा से खाने लग गया हूँ, खैर आपको बताता चलूं। यहाँ पर अमूमन लोग आते हैं चिकन मलाई को परांठे रोल के अंदर रैप करवा के ले जाते हैं, रोल बनवा के खाना पसंद करते हैं, और टिक्के को वेज जैसा आप खाना चाहें, चपाती के साथ खाना चाहें उस तरीके से खा सकते हैं। चिकन चटक बोटी का ये आपके पास ऑप्शन होता है, या आप रोटी के साथ खा लें, परांठे के साथ खा लें, या रोल बनवा के खा लें, यहाँ पर ये आपको तमाम फैसिलिटीज, हर तरह की फैसिलिटीज बंदा प्रोवाइड कर रहा होता है। रिजवान भाई कितने टाइम से चला रहे हैं ये? 4 साल। 4 साल से चला रहे हो? अभी मैंने आपका एक कस्टमर देखा, कहने लगा 4 साल से मैं खा रहा हूँ, रेगुलर खा रहा हूँ माशाल्लाह। तो क्वालिटी यार बहुत इकोनॉमिकल कस्टमर मैंने खाया भी है, मेरी तरफ से तो रिव्यू बेहतरीन है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपकी रिस्क में और बढ़ गया। तो भाई बड़ा मज़ा आया खा के इनकी चटक बोटी। तो ये गोधरा की फूड स्ट्रीट है, ये
माशाल्लाह जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ना, वहाँ तक आपको फूड स्ट्रीट नज़र आएगी। सारे फ्रूट्स वालों का इनका अलग सेक्शन है और बारबेक्यू का सेक्शन अलग है। हमारे एक और भाई हैं जो पराठे बना रहे हैं माशाल्लाह।